कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपने शरीर में कमल बने हैं ये जो मैंने बताया अभी आपको, और इनमें इन सभी देवताओं का ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी है, और गणेश जी का और इस माया का और यहाँ इस काल का, ये हम यहाँ पर ऋणी हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है और इस पर हम सवार हैं, अब जैसे हम किसी मोटर गाड़ी में बैठते हैं, रेलगाड़ी में 100 किलोमीटर जाते हैं तो 10 रुपये, 100, 20 रुपये, 50 रुपये तुरंत मांग लेते हैं, और हमने इसके ऊपर सवारी करते हैं, कितने योग हो गए गिनती नहीं, इसका किराया देना है। यहाँ सूर्य क्या प्रकाश पा रहे हैं, जल प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी से सेब संतरे काजू अन्न आहार कर रहे हैं, ये सब टैक्स हमारे ऊपर है। ये सुविधा हम प्राप्त कर रहे हैं जैसे एक होटल में रहा करें, हम इस होटल में रह रहे हैं और इसका हमने किराया देना है। उसके लिए एक मंत्र है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें मुक्त कर देंगे। जब हम यहां से चलेंगे इन सब कमलों के अंदर से, इस शरीर में चैनल है हमारे अंदर, तो ये सब हमारे को पार कर देंगे, जाइए आपका कर्ज मुक्त है। गरीबदास जी कहते हैं तीनों देवा शरीर में बसे, तीनों देवा कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवा दिल में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना और सुन सतगुरु उपदेश, ये अनादरणीय नहीं है, आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजा क्या होती है, जैसे हमने कोई पौधा लगाना है, गीता जी के अभी आपको दिखाऊंगा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखाएं वाला, और ये 3 गुणों की शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, जो अभी आपने देवी भागवत महापुराण में देखा था कि ये तीनों रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तम गुण शिव जी है, ये तीनों गुणों रूपी शाखाएं विषय विकारों की, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यानी अर्थात इन्हीं के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश किया गया है, ये ऊपर और नीचे इन तीनों लोकों में व्यवस्थित है, यानी अच्छी तरह स्थित है, और ये जीव को कर्मों में बांधने की मूल कारण है, ये गीता जी में आपको बता लगेगा। अब यहां ये वृक्ष देखिए, कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव कबीर परमेश्वर कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, ऊपर को जड़ ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष है, जो 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 में कहा कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो वो और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, अर्थात जड़ से खुराक चलती है। ये देखिएगा ये ऊपर जड़ है, ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम कबीर देव ये है, और जो ये पृथ्वी से ऊपर नजर आता है ये अक्षर पुरुष, गीता जी के 15वें अध्याय में आप देखोगे दो भगवान है, क्षर और अक्षर है, दो पुरुष, ये अक्षर पुरुष, आगे देखो वो क्षर पुरुष, वो परब्रह्म है तना, और ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये एक डार है, ये ज्योत निरंजन भी कहलाता है, ये ब्रह्मा विष्णु तीन शाखा है, त्रिदेवा शाखा है, और ये पात्र संसार। अब क्या देखा आपने, और यही सोच करके आपने सारी गीता को समझना है, और इस पूरे ज्ञान को जो दास बता रहा है इसको ऐसे ही जानना होगा, तब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये दास सबकी निंदा कर रहा है या किसी को छोटा या बड़ा बता रहा है, बिल्कुल नहीं,
कितने औकात इस दास की कहां है कि मैं किसी को छोटा बता दूं, क्योंकि हम सबसे नमन हैं। यदि हमने कोई पौधा बीजना है तो उसकी पूजा किस चीज की करेंगे? पूजा करेंगे जड़ की। पूजा वही होती है जिससे पूरा आधारित हो जाए, उसी की पानी डालेंगे, उसमें खाद डालेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे टहनियों से फल लगेंगे टहनियों के। यदि हम जड़ की पूजा नहीं करेंगे तो टहनियों को फल नहीं लगेंगे। इसलिए हम भक्तिहीन होकर सद भक्ति युक्त ना होकर के राक्षस स्वभाव के बन जाते, ऐसा गीता जी का 7वां अध्याय प्रमाण देगा। अब ये टहनी अनादरणीय नहीं है लेकिन पूजनीय नहीं है। इस बात को जब समझ गए तो किसी के भी हृदय में इतना भी नहीं आएगा कि ये दास किसी की निंदा कर रहा है। नहीं, मेरी मजबूरी बन गई है सत ज्ञान कहने की। अब प्रसंग चल रहा है, जैसे पति भर्ता पूजा तो अपने पति की करती है और सत्कार सभी का करती है, रिश्तेदार का, भाई का, बहन का, देवर और जेठ का, देवरानी और जेठानी का, ननंद का, सास और ससुर का, क्योंकि उनका जो सत्कार जितना है उतना ही करती है, लेकिन पूजा नहीं कर सकती उनकी, पूजा अपने पति की करेगी। ऐसे ही हमने अपने मूल मालिक कबीर परमेश्वर को एज ए पति यानी हस्बैंड, पति माने हस्बैंड, मालिक भगवान, कुलपति का मालिक मान के और उन्हीं की पूजा और फिर इन सब का सत्कार करना है। ये हमारे सहयोगी बनेंगे, फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों का फल लगेंगे और ये फिर हमारे कर्म आधार पर हमें सब कुछ देंगे, सुविधा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, क्योंकि ये कर्म से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अब प्रसंग चल रहा था कि गीता जी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, ये तो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और श्री कृष्ण जी को अर्जुन कह देता है कि हे कृष्ण, मान रहे थे वो भी, अर्जुन भी कि श्री कृष्ण बोल रहा है, कहते हैं हे भगवान, अर्जुन बोला कि इस पाप के युद्ध को करके राज भोगने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न मांग के गुजारा कर लेंगे तो भी उत्तम है। फिर कहते हैं हे भगवान, आप हमारे गुरु और मैं आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है कि कौन सा कर्म मेरे लिए ठीक है, युद्ध करूं या ना करूं। आप मुझे जो मेरे हित में हो, हमारे लाभ में हो, हमारे फायदे में हो, वो वचन कहना, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आपका कोई भी उपदेश मुझे युद्ध के लिए राजी कर लेगा। मैं युद्ध तो करूंगा ही नहीं, पर अब मुझे कोई नेक सलाह दे दो, ये तो भूल जाना कि मैं युद्ध करूंगा। और इसी का परिणाम है गीता जी के 18वें अध्याय के अंतिम अध्याय के और 73वें श्लोक में अर्जुन डरता हुआ कहता है कि हे भगवान, अब मैं समझ गया आपकी बात ने, मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं युद्ध जैसे आप कहोगे ऐसे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब 18वें अध्याय में 3-4 श्लोक और बकाया रहते हैं। 73वें श्लोक में जाकर के डरते ने अर्जुन ने कि यदि इस भगवान ने फिर वो विराट रूप दिखा दिया मेरा हृदय फेल हो जाएगा, और ये मान नहीं रहे हैं, ये युद्ध करवाना चाह रहे हैं। अब सामने काल देख कर, मृत्यु देख कर अपनी, अर्जुन ने लड़ना ही अच्छा समझा कि मर गए ना लड़ूंगा तो ये मार देगा, एक बार फिर दिखा दिया ये भयंकर रूप तो, और युद्ध में मर गए तो ये कह रहे हैं स्वर्ग चले जाओगे। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, युद्ध में मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हुआ तो राज्य के सुख का भोग भोगेगा। और उसी गीता जी में कहते हैं अर्जुन तो निष्काम भाव से युद्ध कर ले और जय और पराजय को भूल जा। अब तो ज्ञान दिया वो तो सत्य दिया, और जहां पर युद्ध
करवाने की अटकलें लगाई वो अधूरी, वो व्यर्थ लगाई। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, ये तो मैंने सब मार रखे हैं, ऐसा युक्का लटकने लगा गया। और फिर आगे चल के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। भगवान श्री कृष्ण के कहने से यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो युद्ध में जीव में हत्या की थी, बंदूकघात किया था, वो तुम्हें हानिकारक है। फिर वो गीता के श्लोक कहेंगे जिसमें भगवान कहता है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। जहां तक ज्ञान का सवाल है वो तो बिल्कुल सत्य है, और जहां तक ये अनर्थ कराने का सवाल है उसमें अपनी अटकलें इस भगवान काल ने जानबूझ कर लगाई, वो स्पष्ट दिखाई देती है। अब युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव विजयी हो जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगति प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब द्वारका जाना चाहता हूं। सभी ने मिलकर एक प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि आप शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हो, हमें एक सत्संग करके जाना, भक्ति मार्ग समझा के जाना, जिसके आधार पर हम अपना जीवन सफल करें। उसके लिए एक स्थान और समय निहित हुआ, दिन और समय निहित हुआ। उस निश्चित दिन को, तिथि को सभी श्रोतागण आकर के सत्संग स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहल रहे हैं उस सत्संग स्थल के अंदर एक पार्क में। उस दिन अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपने जो गीता जी का ज्ञान मुझे सुनाया था युद्ध के दौरान, वो आज ज्यों का त्यों सुनाना भगवान। अब मैं तो भूल गया हूं, क्योंकि युद्ध करना पड़ा ना, इस करके मैं भूल गया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तू बड़ा श्रद्धाहीन, बड़ा बुद्धिहीन है, तो इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भूल गया नादान, तुझे नहीं भूलना चाहिए था। अब फिर स्वयं कहते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं, पूरा का पूरा मैं नहीं बता सकता, जो का तो मैं नहीं कह सकता, अब मुझे याद नहीं। अब बताओ, अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि बुद्धिहीन श्रद्धाहीन, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों बुला दिया, और स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तो पूरा याद नहीं। बताओ, अब मैं सत्संग कर रहा हूं परिभाषा प्रभु की, मेरे से कभी भी पूछ लेना जो मैंने आपको मौखिक सुनाया है। और आप जो सुन रहे हो, एक बार सुनने में ज्यादा से ज्यादा आपको 20% ज्यादा ही कोई इंटेलिजेंट है, 30% एक सत्संग याद रहेगा। और मेरे से जब पूछोगे, जब सुना दूंगा, आपको याद नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से मान लो सुना रहे थे होते तो ये नहीं कहते, तो वो कहते हैं उस समय तुम्हें योग युक्त होके उस परमात्म तत्व का, अपना नहीं कोई और भगवान है, उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था। जब योग युक्त युद्ध के मैदान में भगवान हो सकते हैं, वहां तो एक शांत दिमाग था, आसानी से योग युक्त का अर्थ होता कनेक्शन विद द गॉड, तो यहां तो आसानी से योग युक्त हो सके, संपर्क कर सकते थे भगवान से। कहते जब तुम उस परमात्मा से संपर्क करके उससे उसकी आदेश वो सब ज्ञान बताया था। अब भी कर सकते थे संपर्क, नहीं, ये तो काल था, वो चला गया, भगवान कृष्ण थे। अब कुछ ही दिनों के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने वो गीता सारी लिख दी, फिर उसमें काल प्रवेश कर गया। अब बताओ, कृष्ण जी को तो याद नहीं रहा, फिर वेद व्यास जी ने पूरी लिख दी। अब यहां देखिए, एक अनमोल प्रमाण है ये संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है मेरे पास, और इसमें ये स्पष्ट लिखा है यहां से शुरू कीजिए।
पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उत्पन्न था, उपस्थित था, उसने मुझे आपके महत्तम ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, अपने आपने जो स्नेहवश पहले मुझे ज्ञान उपदेश किया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुनाई दीजिए। कृष्ण जी बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडु नंदन, निश्चय ही तुम बड़े बुद्धिहीन हो, श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब ये समझ लेना भक्तात्मा, और ये किसके द्वारा हिंदी किया हुआ है, श्री जय दयाल गोविंद का। संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, जिन्होंने ये गीता जी का टीका भी किया हुआ है। द्वितीय खंड संक्षिप्त महाभारत। अब इन तथ्यों का सत प्रमाण मिलने के बाद ये तो सब सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता बोला ही नहीं था। युग काल अनर्थ करवा गया और ज्ञान सही बता गया, लेकिन इसमें केवल ओम नाम का ही जाप बताया है जो काल ब्रह्म तक का है। गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत् सत, ये मंत्र उस भगवान के जपने के। ओम अकेला नहीं, पहले तो इन्होंने कहा केवल एक ओम नाम जप और मेरा ध्यान कर ब्रह्म काल तक का, और फिर कहा कि नहीं, यदि तूने पूर्ण भक्ति करनी है तो 3 मंत्र का जाप है, उस पूर्ण परमात्मा को पाना है, और उसको वो संत देंगे जिनको पूर्ण ज्ञान है, और कोई नहीं बता सकता। ये देखिएगा, ये श्री मद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसमें 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्, पहले संस्कृत देखिएगा, ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविद स्मृत है। ओम, ओम तो पहले बता रखा कि मेरा नाम ओम, मेरा मंत्र तो ओम है, इसका जाप कर, और तत् सत ये 2 संकेतिक मंत्र हैं जो ये दास देवग आपको, ये निर्देश है, निर्देश के अंदर ऑर्डर ऑर्डर भी साथ होते हैं और इशारा भी। निर्देश ये 2 शब्दों से, 2 महिमा, 2 महिमाओं से युक्त शब्द है, ये आदेश, सख्त आदेश समझो, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के, ये 3 प्रकार का, 3 विध, 3 ढंग से मंत्र है, ये 3 नाम का। ब्राह्मण, ब्राह्मण माने भगवान आत्मा, जानकार लोग इस वेद, इस ज्ञान को समझ गए, विहिता पुरा सृष्टि के प्रारंभ में इसी विधि से सब अपनी साधना प्रारंभ किया करते थे। ये लिखा के इन्होंने क्या लिखा, देखो, ओम तत् सत,
ऐसे तीन प्रकार का सचिदानंद गण ब्रह्म तक, ब्राह्मण माने पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। इससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। विहिता माने उनका स्मरण होता था, साधनाएं होती थी और विद्वान पुरुष इसी ज्ञान के आधार पर इस प्रकार साधना किया करते थे। अब यहां असमंजस में डाल देते हैं ये नादान संत, ऐसे गोलमोल कर दिया कि ब्रह्म का जाप ओम तत् सत ये तीन मंत्र से नहीं, ओम जाप तो केवल ब्रह्म का है, तत् पर ब्रह्म का और सत पूर्ण ब्रह्म का, ये तीनों मिलकर और तीनों का जाप इस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए इन तीनों का एक विधि है स्मरण की, ऐसे करना पड़ेगा। अब नहीं तो भगवान ने अपना स्मरण तो ब्रह्म ने काल ने बताया कि ओम नाम का जाप करो मेरा, आठवें अध्याय का 12 और 13 श्लोक में, 13वें श्लोक में स्पष्ट किया। ये देखो वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ये है 12 और 13। इसमें सीधा लिखा कि ओम इति अक्षरात ब्रह्म, इस ब्रह्म का तो केवल ये ओम जाप है। इन्होंने कैसे खोला ये देखिए, इन्हीं की भाषा समझे। पहले सब इंद्रियों को के द्वारों को रोक कर तथा मन को वश में स्थिर करके, हृदय देश में स्थित करके, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी आत्मन योग धारणा में स्थिर हुए जो पुरुष ओम, ये देखो सीधा ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसकी परम गति ब्रह्मलोक है, जो वो भी नाशवान है, एक ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक है। और ये कहता है मुझे तो इस ओम नाम से ही भजा जाता है, और उस परमात्मा के पाने के लिए तीन नाम का मंत्र है। अब आचार्य सुधांशु जी द्वारा ही इनके कर कमलों द्वारा लिखी हुई ये देखो श्रीमद् भगवत गीता का इनके द्वारा भाषा वाष्य है। पहले ये देखो सप्त अथ सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय और इसका देखो फिर 23वां श्लोक। ओम तत् और सत इन तीनों नामों से ये स्पष्ट कर रहे हैं जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उसी परमात्मा ने सृष्टि आदि में वेदों ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। ये तीन नाम अब इनसे पूछा कोई आंखों वाले अंधे, फिर इन्हीं के द्वारा इसी गीता जी में फिर देखो ये अध्याय नंबर 8 में आचार्य सुधांशु जी द्वारा ही इनके करकमलों द्वारा भाषावाच्य टीका अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवद् गीता और श्लोक नंबर 12 और 13 आप स्वयं देखें। ये 13 लिखा है कि और जो एक अक्षर ओम जो कि ब्रह्म है का उच्चारण करता हुआ मुझे श्रवण करता हुआ अपने शरीर को त्याग कर संसार से प्राण करता है वह उच्चतम लक्ष्य परम गति को प्राप्त होता है। परम गति कहां? ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है। जैसा कि भक्तात्मा सुन रही है इस सत्य ज्ञान को, ये तब शास्त्रों में प्रमाण है। अब कोई टाटा करो, कोई कुछ कहो, समाज नहीं मानेगा, क्योंकि हमने आत्म कल्याण कराना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का बंध का जीवन समाप्त नहीं करना। अब गीता जी के 7वें अध्याय को आपके सामने पेश करता है ये दास। उसमें सबसे पहले श्लोक नंबर 12 से आपको शुरुआत होगी। उसमें क्या लिखा है कि ये तीनों गुण रजगुण सतगुण और तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है अर्जुन ये तुम मुझसे ही जान, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है।
अब ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में। उस पुण्यात्मा श्री कृष्ण जी को तो मालूम भी नहीं मैंने क्या कहा था गीता में। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशी सूजी द्वारा ही महाराज जी के द्वारा कल कमलों द्वारा टीका अध्याय नंबर 7 है। ये इन्हीं के द्वारा सब अध्याय 7 और इसमें श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ होता है। पहले तो व्याख्या की है भगवान ने, मैं रस हूं, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है। अब देखो, और जितने भी भाव हैं, चाहे वह लयात्मक सात्विक आवेशपूर्ण राजस आलस्यपूर्ण तामस हो, वे सब केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को तू समझ ले, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में नहीं है। सीधा लिखा ये च एवं सात्विक भाव राजस व तामस। ये काल कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश राजस ब्रह्मा तामस विष्णु और शिव और सात्विक यानी सतो भाव युक्त विष्णु, ये मेरे से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं। मैं इनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि वो इनसे दूर है, काल लोक में रहता है। ऐसा अब आगे देखो, ये चलता चलता आगे आएगा, फिर 20 श्लोक में जाके क्लियर होगा। यहां देखो, अगर 13वां लिखा है प्रकृति से इन तीनों गुणों द्वारा ब्रह्म में प्रकृति नहीं है, ये त्रिभी गुणामय, इन्होंने क्योंकि चतुरता करने की कोशिश की है, त्रिभी गुणामय त्रिगुणमयी मेरी माया, त्रिभी गुणामय। अब यूं ये गोलमोल करने की कोशिश करते रहे इन तीनों गुणों के द्वारा, ये भ्रम द्वार में पढ़कर सारा संसार मुझे नहीं पहचानता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही पूछता रहता है, इनके द्वारा दी गई सुविधा में उलझा रहता है। तिर मन तीन त्रिभी गुणमयी, ये त्रिगुणमयी मेरी माया, इसने तो और ज्यादा ही अनर्थ करने की चेष्टा की है। इसके साथ आपको दूसरे संतों की दिखाता हूं जिन्होंने इतना अनर्थ नहीं किया। ये देखिए, मेरे पास ऐसी ऐसी 4-5 टीकाकारों की ये पुस्तक है गीता प्रेस गीता जी, जिन्होंने इसका टीका किया है। इसमें देखो अध्याय नंबर 7 और यहां श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाला, बिल्कुल सही लिखा, जितना इन महापुरुषों को ज्ञान था बिल्कुल सही लिखा, जहां ये विचल गए वहां पर फिर इन्होंने भी अनर्थ किया, अनअर्थ, सही अर्थ नहीं बना। आगे लिखे सात्विक भावहर जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला, उनको तो मुझसे होने वाला ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, बिल्कुल सही लिख दिया। अब आगे देखो, क्योंकि इन तीनों गुणों का ही जिक्र चल रहा है और ये स्पष्ट लिखते हैं गुणमयी मेरी, ये 13वां श्लोक है, ये सीधा लिखा अर्थ देखिए कितना प्यारा, त्रिभी गुणमयी भावम एवं ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानते माम एभे परमविवम। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है कि ये तीनों गुणों के द्वारा ये भ्रमित रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी के द्वारा दी जाने वाली अक्षणिक सुविधा के आधार पर भ्रमित, इन्हीं के ऊपर आश्रित चक्र काट रहा है वो मैं, और जिसके कारण मुझ पर ही उलझा हुआ है, इसलिए उस परम अवम ने अभिजानती, उस परम अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते। फिर भी इन्होंने जैसा भी किया है अपनी सूझबूझ से कुछ कोशिश की है नजदीक करने की, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश ये समझते चलो साथ में, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा, इसलिए तीन गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानते, चल ऐसा ही मानकर चले। इनसे परे कहां है ये? काल लोक में, जैसा कि आप फिर देखिए ब्रह्मांड का चित्र, क्योंकि साथ साथ आपने देखना पड़ेगा।
ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, अंड और ब्रह्मांड और पंड इसी को कहा है। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये नीचे हैं, यहाँ एक ब्रह्म लोक में ये काल रहता है, कहता मैं इनमें नहीं हूं और मैं इनसे परे हूं, ये भी मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की द्वारा दी जाने वाली अक्षिणिक सुविधा, मैं इन देवताओं के ही चक्कर में रहते हैं। अब देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड काल के चित्र, ये 4 महाब्रह्मांड हैं, एक महाब्रह्मांड में ये 5 ब्रह्मांड हैं, ये महाब्रह्मांड और इनमें ये 5 ब्रह्मांड जो अभी आपने देखे थे, इनमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश है जिसमें इनको अजर अमर बता रहे थे, ये अनजान महात्मा, ये काल इसमें हरेक ब्रह्मांड में तो ये काल रूप में रहता है और यहाँ ये महाकाल रूप में इनसे भी न्यारा और रहता है। 21-20 ब्रह्मांडों को बांध कर 21 में ब्रह्मांड में यहाँ महाकाल रूप में रहता है, यहाँ पर ये तपतशिला है, इन जीवों को गोल के खाता है, इसलिए कह रहा है कि मैं इनसे परे, 3 गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर, ये मुझे नहीं जानते। अब ये देखिए अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14 है। अब ये टीकाकार जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इस महापुरुष ने कम अनर्थ किया है, जहां बिल्कुल ही समझ से बाहर होगी तभी किया है, और ये सुधांशु जी ने जानबूझकर अनर्थ किया है। ये देखो वो चतुरता दिखाई अपनी, इसमें देखो चल रहा देवी, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुर्ततया माम एवं ये परपदंते माया एताम त्रंते त्रंती ते। अब देखो उसी 3 गुणों वाली माया का ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र चल रहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत गुणमयी मेरी माया बड़ी दुष्ट है, बड़ी दुष्ट है, कठिन है, खतरनाक है, और जो मुझको निरंतर बजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो, क्योंकि इन 3 गुणों का ही जिक्र चल रहा है, ने माम दुष्कृतिन मूढ़ा परपदंते नराधमा माया है। ये देखो माया या माया के द्वारा, इस 3 गुणों रूपी माया के द्वारा अपहर्त ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता, माया के द्वारा इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, क्योंकि इस त्रिगुणमयी माया का जिक्र चल रहा है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जाल द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये देखो ऊंचा देखो, पूरा खुला देखो अच्छी तरह, माया या माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो असुर भावम के जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक के दिए जा रही सुविधा उनकी पूजा से वो असुर भाव को धारण किए हुए असुर भावम आश्रिता नराधम मनुष्यों में महानीच, मनुष्यों में नीच अर्थात गंदे कर्म करने वाले दुष्कर्तिन ब्रह्मा 3 गुणों की पूजा को तो दुष्ट कर्म बताया है, दुष्कृत दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। आप सुधांशु जी की चतुरता दिखाता हूं आपको, अनर्थ करने की कितनी अजब कोशिश की है जो कि नहीं चाहिए थी, समझ में ना आवे तो चुप हो जावे। अब वही 7 अध्याय, आदरणीय आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा टीका देखियो श्रीमद् भगवत गीता का, ये देखो पहले अध्याय नंबर वही 7 है, श्लोक नंबर 14 है, देखो क्या कहते हैं, मेरी इस गुणमयी देवी माया को जीत पाना बहुत कठिन है, परंतु जो लोग मेरी शरण में आते हैं उसको पार कर जाते हैं। अच्छा आगे देखो, बुरे कर्म करने वाले जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में नीच हैं, नराधम जिनकी बुद्धि भ्रम के कारण बह गई है और जो असुरी भाव के हैं वे मेरी शरण में नहीं आते, बता ये गोल गोल कर दिया माया या इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा। अब देखो इस महापुरुष का, अब ये जानबूझकर सच्चाई को छुपाने की भरसक प्रयत्न चेष्टा की गई है। अब आप देखिए
ये देखो इसी महापुरुष के द्वारा श्री जयदयाल गोविंद जी के द्वारा ये 15वां श्लोक ये अध्याय नंबर 7 का माया है, स्पष्ट है। यहां पर ये भी थोड़ा सा गौर करिए, कौन सी माया? वही त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उन्हीं की पूजा पर आधारित जो अक्षणिक सुख उन्हें प्राप्त होता है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका इस माया के द्वारा, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते वो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनसे नीचे की तीनों गुणों से तक उनसे नीचे की भक्ति में ये मूर्ख लोग दुष्ट आत्मा दुष्कृत ये पूरे कर्म बताए जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण की साधना करते हैं, ये गीता बता रही है। आप देखो सुधांशी जी द्वारा जानबूझ कर नादानी, यही इनके द्वारा टीका, ये 7वां अध्याय, अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 15 है। देखो ये 15 है, जबकि स्पष्ट लिखे माया या अपहर्त ज्ञाना, इस त्रिगुणमयी माया इन कति समाप्त कर जानबूझ कर चतुराई, ये होते हैं चतुर प्राणी विचक्षण है, बुरे काम करने वाले जो मूर्ख वो खत्म कर दी, वो अक्षरी छोड़ दिया। मनुष्यों में नीच है जो कौन से बुरे कर्म जो ब्रह्मा तीनों गुणों तक सीमित पूजा और उन्हीं के द्वारा उपलब्ध लाभ पर आधारित है। बुरे काम करने वाले जो मूर्ख जो मनुष्यों में नीच है, जिनकी बुद्धि भ्रम के कारण बह गई है और जो असुरी भाव के वो मेरी शरण में नहीं आते। बताओ अब देखो भक्तात्माओं, पुण्यात्मा जो अनुयायी है उनका दोष कति नहीं, वो तो प्यासे हैं प्रभु के। एक सुधांशु जी की ही मैं नहीं कहता, ये तो अभी तक जितने भी शास्त्र दास के हाथ लगे हैं और तकरीबन आज का जिनका बोलबाला है उन सभी संतों के शास्त्र और वहां से आए हुए सभी के उपदेशी दास के पास आ गए हैं, और अब तो टोल के टोल आ रहे हैं और कह रहे हैं हमने जीवन खो दिया। अब ये अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं था तो चुप हो जाते, क्या जरूरी था टीका करना? ये पहले महापुरुषों ने जैसा ज्ञान था वैसा कर ही दिया था, इसको और उलझाना काहे की बुद्धिमता थी। इनके लिए कबीर साहब की पुण्यात्मा उनको, जिन्होंने उस कबीर परमेश्वर को आंखों देखा, उनके सतलोक में कि ये परमेश्वर है, फिर आकर देखा कि कबीर साहब का ज्ञान ना मिलने से ये अनजान मार्गदर्शक ये अपनी सूझबूझ से सच्चाई को उलझा देते हैं और इन भोली आत्माओं को अपने पीछे मीठी मीठी बात बनाकर लगा देते हैं। गरीबदास जी कहते हैं ये चातुर प्राणी चोर हैं, जो शास्त्रों को गुमराह कर रहे हैं उनमें फेर बदल कर देते हैं, जानबूझ कर अर्थ नहीं कर रहे अनर्थ कर देते हैं। ये चातुर प्राणी चोर हैं, मोट मुग्ध है ठोठ, जो इनके पीछे लगे हुए वो भोली आत्मा है, वो इस सच्चाई को भी अगर नहीं समझ पाएंगी, इतने प्रमाण मिलने से भी नहीं अपनी जान बचाएंगी, तो उनको कहा वो मूड मुग्ध ठोठ, फिर वो सत भक्ति के योग नहीं है, वो इन्हीं के पीछे लगे रहो, इनके देगल जोट। अब यहां ये बुरा जरूर लगेगा, अवश्य लगेगा, लेकिन नहीं लगना चाहिए। इन संतों ने पुनर्सोचना होगा, और ये तो पुण्य आत्मा है, इनका उद्देश्य गलत नहीं। जैसे दास ने बार बार बताया है कि ये स्वयं चाहते हैं कि संसार को कुछ देव भक्ति मार्ग पर लगाएं, लेकिन स्वयं ही अधूरे हैं ये बेचारे, देव हैं क्या तो दिन रात मेहनत करते हैं, सत्संग करते हैं, गर्मी सर्दी नहीं देख रहे हैं, लेकिन आम के स्थान पर बबूल का बीज दे देना वो कौन सी समझदारी है, फिर रो आबाद में बैठ कर बीजने वाला, इससे अच्छा तो चुप रह बढ़िया। एक साधारण सी भाषा है कि नहीं बोलना आवे तो बंद रख वाणी ने, बीजक की बाता कहें ये बीजक ना ही आत, ये पृथ्वी डोबन उतरे का मीठी बात, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही पास, औरों को तो बात बतावे
ज्ञान सुना में आप जाओगे निराश से, आप खाली जाएंगे। अब आगे चलिए, इसी गीता जी में 16वां अध्याय का 16वां श्लोक है। पहले तो बता दिया कि तीन गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके इनकी पूजा से और जो कुछ भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो अक्षीणिक है। वो आगे 20, 21, 22 और 23 श्लोक बताएगा आपको, अक्षीणिक है। और जो इन्हीं तक सीमित है, इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं, और जिनका ज्ञान इस अक्षीणिक सुविधा में, सुख सुविधा में, इन तीनों गुणों के द्वारा हर लिया, वो कहते हैं नीच व्यक्ति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए और दुष्कृत कर बुरे काम करने वाले, यानी गलत पूजा है ये। एक ब्रह्म साधना ते नीचे, तो ब्रह्म कह रहा है कि मेरे से नीचे जो पूजा है वो तो मूर्खों की और दुष्कर्म, अविधि पूर्वक, शास्त्र विरुद्ध। ये अभी इस साथ में अध्याय का आपको 20, 21 और 22, 23 श्लोक बताएगा। होने से वो तो मूर्खों की बताया और मूर्ख लोग करते हैं, इससे और ज्यादा भगवान के कवगा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए तीनों गुणों के पुजारी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। एक समय की बात है, आज से 325 वर्ष पूर्व एक कुंभ का पर्व लगा था हरिद्वार, हर की पैड़ियों पे, और उस शुभ दिन को स्नान करने के लिए इन नादानों की दृष्टि अपने दृष्टिकोण है, क्योंकि गीता से बाहर की साधना है ये कुंभ की पर भी लेना, इसलिए अविधि पूर्वक है, क्योंकि गीता में नहीं लिखा वो और वेद में नहीं लिखा, कबीर साहब, गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी, धर्मदास जी, इनकी वाणी में नहीं लिखा, वो अविधि पूर्वक है। कुंभ का पर्व निश्चित हुआ, लाखों की हजारों की संख्या में ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक, पुरी गिरी और साथ में वैष्णो साधु, नागा साधु, ये सब अपने अपने खेमों में इकट्ठे हो गए। जब आया नहाने का समय, सभी अपने 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 संप्रदाय के साथ, अपने समूह के साथ प्रस्थान किया स्नान स्थल पर, हर की पैड़ियों पे। वहां जाकर नागा साधु सबसे पहले पहुंच के कहने लगे, नागा जो बिल्कुल नगन रहते हैं, कि सबसे पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वस्त्र तक की इच्छा नहीं, हम निरिच्छा है, निर्मोही है। उस पर वैष्णो साधु, विष्णु जी के उपासक, कहने लगे तुम बेसुरो, कभी नहाना नहीं, धोना नहीं, शरड फरड रहना, पशु की तरह तुम नंगे फिरते हो, बेहया हो, ऐसे ऐसे कटु शब्द कहे, और हम श्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम वैष्णो साधु हैं, हम सबसे पहले नहाएंगे, तुम बाद में नहाना। इस बात पर उन दोनों गुटों की कहासुड़ी होगी, मुक्का मुक्का लड़ाई होगी, तलवार बल त्रिशूल निकाल आए, और नहाना भूल गए, वह पर भी गई, भगवान का प्यार गया जहां हर की पैड़ियों पर वो स्नान करने और मुक्ति के लिए आए थे, वो दूसरी मुक्ति होगी वहां पे। एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया, 25,000 व्यक्ति आपस में लड़का मर गए, और खून की नदी बहा दी, वो गंगा का पानी लाल कर दिया। यहां पर कबीर साहब की प्यारी आत्मा कबीर साहब के संपर्क में आ गई, सत्ज्ञान भंडार खुल गया उनका। उन्होंने कहा कि तीर, तुपक, तलवार, कटारी,
जब थड़ जोर बधावे है हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या, और वहां जाकर चलावे वह भगवान का प्यार भी भूल गए, और भगवान की पैड़ी कहे और वहां भगवान से भी ना डरे, उनकी उपस्थिति कहते हैं वह भगवान की पैड़ी है। हर पैड़ी हर हेत ना जाण्या वहां जाकर चलावे है, और काटे शीश नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे। और जो जो उनके शरणा जावे उनके दर्शन जावे उनका पुजारी हो जाए उन संतों का, उनको भी नरक पठावे हैं। ये भी पैदा है पैदे से भेद अलैदा, ये व्यर्थ है, क्योंकि गीता बता रही है ब्रह्म साधना से नीचे जो पूजा के और यहीं तक सीमित है वो तो अधूरे, और ये आपके सामने है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कर्म करने वाले और नीच मूर्ख ये मुझे नहीं बजते, अर्जुन ब्रह्म साधना नहीं करते, अर्थात मुझ काल की भी पूजा नहीं करते, ये नीचे तक फंसे रहते हैं। अब आगे बताते हैं सातवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है, हे अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले, वो तो नीच कर्म लिखे दुष्कृत्य, अब बढ़िया साधना करने वाले यानी ओम नाम से शुरू होते हैं और ब्रह्म की साधना जो करते हैं, नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की पूजा नहीं करते, उनमें भी चार प्रकार के साधक हैं। एक तो अर्थार्थी अपने धन लाभ के लिए, और दूसरे अर्थ अर्थ होते हैं अपने कष्ट निवारण के लिए, और जिज्ञासु ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, केवल ज्ञान पढ़ते हैं शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, और वही चौथे ज्ञानी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया ज्ञान योग युक्त हो गए जितना उन्हें ज्ञान हुआ कि ब्रह्म साधना से नीचे तो बिल्कुल नहीं करनी, तो वो ज्ञानी बहुत श्रेष्ठ है, वो ज्ञानी मुझे प्यारे और उनको मैं प्यारा, क्योंकि उन ज्ञानियों को ज्ञान हो गया वेदों के आधार ज्ञान हुआ कि एक ब्रह्म न छोड़कर नीचे की पूजा नहीं करनी, वो तो अब बार बार कहना शोभा भी नहीं देता, ये गीता बता रही है। ऐसे व्यक्ति करते हैं तीनों गुणों से लेकर नीचे तक की भक्ति नहीं करनी, तो उनको ज्ञान हुआ कि ओम नाम है वेदों में, ओम नाम का जाप जपो, अब उनको उस परमात्मा के वजन का बेरा ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ये सब उलझ गए। अब केवल ओम नाम पर बैठे रहे और खूब दिन रात साधना की, जैसे चुनक ऋषि ने, दुर्वासा जी ने और कपिल मुनि जी ने आदि आदि, ये ज्ञानी आत्मा। अब 18वां श्लोक स्पष्ट करता है कि ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हुआ वेदों के आधार पर कि नीचे की तीन गुणों की भक्ति तो व्यर्थ मूर्ख लोग करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके नीचे के देवताओं की वो तो नादान व्यक्ति करते हैं, क्योंकि ये गीता जी का सातवें अध्याय का 12 से 15 श्लोक स्पष्ट करता है आपके सामने है। इसलिए उन्होंने ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मान के और अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, न्योछावर कर दिया, दिन रात साधना की ओम नाम का ध्यान लगा कर जाप करते करते उनमें प्रभु नहीं मिला, क्योंकि ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये काल का जाप है और काल कहता मैं किसी मंत्र से मिल नहीं सकता, प्रभु तो मिलता नहीं, तो उनमें एटम बम बन जाते हैं वो सिद्धियों के, और फिर जो उन्होंने मेहनत की उसका भी फल मिलता है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से ज्यादा मिलता है, वो ब्रह्म लोक में एक स्वर्ग बना रखा है महास्वर्ग जो आपको बार बार चित्र में दिखा रहा है दास, ये वहां पहुंच जाते हैं। पहले तो यहां इनसे अपना काम लेता है, इन्हीं के अपने रिमोट से इनको यहां प्रयोग करता है, और फिर जो ये पाप करते हैं अपनी सिद्धि के द्वारा उनका पाप कर्म में इनका लेखा लिख देता है, और इस ओम नाम के जाप की कमाई के आधार पर इनको महास्वर्ग में सुविधा काफी हजारों वर्षों तक लाखों वर्षों तक युगों तक वहां रख देगा, और फिर नरक में जाएंगे उस पाप कर्म के किए अनुसार, और फिर 84 में गधे बनेंगे ये देवता ओम नाम के जाप तक। जैसे
अब 17वें श्लोक को सुलझाने के लिए ढेर सारे प्रमाण देने पड़ेंगे आपको, 7वें अध्याय के 17वें श्लोक को, गीता जी के, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़े। अब समझ में आ जाएगा। अब जैसे इन महापुरुषों ने जाना कि ओम नाम वेदों में लिखा है, लेकिन ये नहीं जाना कि इससे आगे और भगवान भी लिखा है, और इस आधार पर महापुरुषों ने साधनाएं की। इसके बीच में थोड़ा सा और आपको दिखाता हूं। अब देखो, आचार्य सुधांशु जी द्वारा वेद श्रीता में इन्होंने ये आत्म तत्व का बोध, इसके अंदर ये श्लोक दिया है कि यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 15वां श्लोक यजुर्वेद। अब देखो, वायुर अनिलम अमृतम एतद् भस्मानां शरीरम ओम कर्तो समर कल्वे समर कर्तम समर। इसका अर्थ बनता है कि ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कल्वे माने कसक के साथ करो, स्मरण करो और अपना कर्तव्य समझ कर स्मरण करो केवल ओम नाम का। और उससे क्या होगा, वायु यानी आपके शरीर जो 12 प्राणों से बना हुआ आपका लिंग शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, वो अमर हो जाएगा जब ये तेरा सथुर शरीर का भस्मांत अंत होगा। इन्होंने सरलार्थ करने की चेष्टा की है, लेकिन ये नहीं बता क्या का स्मरण करे, ओम नाम को बिल्कुल छोड़ दिया। हे मनुष्य, शरीर में बैठे हुए प्राण तत्व और परमात्म तत्व के कारण ही शरीर चलता है। आत्म तत्व विनाशी है, शरीर भस्मांत है अर्थात भस्म होने वाला है, शरीर नश्वर है, आत्मा विनाशी तत्व है। कर्तम समर के हे जीव, अपने कर्मों को याद कर, अपने कर्तव्य को याद कर, कर्मशील बन, यथार्थ शक्ति को याद कर, तेरी सामर्थ्य शक्ति क्या है, जो कुछ किया है तुम्हारा वह अतीत, तुम्हें क्या प्रेरणा दे रहा है, क्यों भूले हुए हो क्या। अब इसका वास्तविक और भी संतों के द्वारा दिखाऊंगा आपको, ऋषियों के द्वारा करना था और क्या कर बैठे, इस चिंतन को करो। इस उपदेश को हम उपनिष्ठ के रूप में भी जानते हैं। ईशो उपनिष्ठ में जो मंत्र पाए हैं वे बड़े अद्भुत हैं, 250 तरह के उपनिष्ठ, वो वास्तविकता को छोड़ छाड़ के और पता नहीं कहां के कहां पहुंच गए, ये पूर्ण देख लिया दास ने। अब ये ओम नाम का जाप सीधा लिखा इसमें कि ब्रह्म का जाप केवल ओम है। इस ब्रह्म का जाप जैसे गीता जी ने बताया, ये ओम जाप है, ये काल का जाप है, इससे नीचे नहीं कोई सिमरन करना। इसका भी सिमरन अपना विशेष कसक के साथ काम करते करते, समाधि समुद्धि नहीं लगानी, ना कोई कठिन तप करना, साधारण भाव से काम करते करते और विशेष कसक के साथ अपना कर्तव्य समझ कर याद कर। इससे क्या होगा, वायु अनिलम अमृतम इदत, इससे तेरे 12 प्राणों का शरीर, वो सूक्ष्म शरीर में शक्ति आ जाएगी, इतना अमर हो जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं है। उससे क्या होगा, बसमान शरीरम, शरीर तेरा सथुर शरीर जब अंत होगा, ये लिंग शरीर बन जाता है, जैसे सुखदेव का बन गया था लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुआ, फिर राजा जनक से नाम लिया, उससे पहले उस शक्ति से वो आकाश में भी उड़ जाता था फिर भी अधूरा था। अब इसमें आगे और दो श्लोक हैं, 16 और 17, इसी और सुनाता हूं आपको, वो इन्होंने नहीं लिए क्योंकि इनकी पहुंच से बाहर है महापुरुषों से। ये देखिएगा, यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इनका टीका है, ये विद्वान पुरुष थे लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं था इनको, इन्होंने जितना इनका समझ थी उतना सही किया। ये देखो, वही 40 चतुर्थ 4400 अध्याय 40वां अध्याय और श्लोक नंबर 15, ये 15, वायुर अनिलम अमृतम इथेतम अस्मांतम शरीरम ओम कर्तस कर्तो समर कल्बे समर और कर्तम समर समर। हे कर्तो यानी काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटने के समय ओम, अब उस महापुरुष ने ओम का जिक्र नहीं किया वहां पर, ओम नाम, इस नाम
वाच्य ईश्वर को स्मरण का स्मरण कर किल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का समर स्मरण कर कर्तम अपने किए का समर स्मरण कर इस संसार का वायु धनज्जा आदि रूप वायु अनिलम कारण रूप अब देखो वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ अतः इसके बाद अंतर इदम शरीरम नष्ट होने पर ये भी ये सारे तुक्के ही लगाए। अब दास बताओगा इसका फिर आम सर्वार्थ करवाना किसी समझदार ते। अब सोलमा देखो ये सोलमा है कि अग्नि माने परमेश्वर की ने माने रक्ष अग्नि है सोपथा सोपथा माने सत्विधि से भक्ति करने से कोई और परमात्मा इस ओम ब्रह्म त्यारा उसकी ढंग से पूजा सोपथा माने विधिवत सोपथ पथ माने वे ऑफ वर्शिप सच्ची अच्छी विधि से जो जाप करते हैं वो उनके पाप कट जाते हैं। और देखो ये इन्होंने तक अपने हिसाब से किया। फिर देखो ये सिर्फ संस्कार दिखा रहा हूं फिर शुरुआत करूंगा मैं दास आपका। ये 17वां श्लोक है इसमें स्पष्ट है कि एक और परमात्मा है युक्त ब्रह्म तो केवल खम्भ माने स्वर्ग खम्भ का अर्थ स्वर्ग ओम नाम के जाप से ये काल भगवान केवल स्वर्ग तक ले जा सकता है लेकिन वो परमात्मा और है जो सथाई सुख देता है आदित्य पुरुष है। ये देखो अब इन्होंने कोशिश की है सच्चाई को सामने लाने की लेकिन ये भी उलझ गए क्योंकि इन्होंने पहले सत्यार्थ प्रकाश का ये रचना कर दी। हे मनुष्य जिस हिरमेन का अर्थ होता है शून्य जैसा इन्होंने ज्योत स्वरूपी पात्रेण माने रक्षक बुद्ध से पात्रेण का अर्थ होता अधिकारी हंस सतस्य उपहले सुपथा अर्थात सत अविनाशी चलो जैसा भी इन्होंने किया आगे देखो मुखम जो मैं सिद्ध कराना चाहता हूं इसमें मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है जो यहां से देखो जो वह प्राण या वायुमंडल में पूर्ण परमात्मा और है और वह तो प्रोक्ष है वो तो गुप्त है एक भगवान और है इस ब्रह्म तो ऊपर वो गुप्त है। स्पष्ट करते हैं यह जो वह आदित्य यानी प्राण वायुमंडल में पूर्ण परमात्मा है वह तो गुप्त है यानी वो किसी की पहुंच से बाहर है प्रोक्ष है जरूर आकार में भी है और अहम मैं काल अहम ब्रह्म अहम खम ब्रह्म। अब देखो अहम मैं खम यहां लिखना था अहम ब्रह्म ये ब्रह्म यहां लाना था मैं काल तो खम केवल स्वर्ग तक इस ओम नाम के जाप से ले जा सकता हूं इस ओम नाम के जाप से केवल स्वर्ग तक जा सकता है ब्रह्म लोक तक जा सकता है इसका ये कोई और परमात्मा है। अभी गीता भी बताओगी आपने लो महापुरुष का टीका गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली भूली सब संसारी। कबीर साहब कहते हैं मेरे साथ दो भाई मुझे सब ही भूले पाए और फिर आकर सत भक्ति जगाई। ये है यजुर्वेद सरल हिंदी भावार्थ सहित इनके कौन है लेखक संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो कितनी उपाधि ला रखी महापुरुष के इन्होंने ने भी ऐसे ही गोल कर लिया। ये देखिएगा वही श्लोक है यजुर्वेद का और 15वां श्लोक देखो इधर ये 16 ये 15वां देखो वायुर अनिलम अमृतायथम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर कल्वे समर और कर्ते समर। यह जीवन वायु अग्नि आदि तथा अमृत सनातन आत्मा चेतन के संयोग से बना शरीर को के तो अनंत भस्म हो जाने वाला है ये संकल्प करता तू परमात्मा का स्मरण करो अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो जो कर्म कर चुके हो उनका स्मरण करो ओम नाम का कितना जय करनी इसी धा के ओम करतो समर ओम नाम का जाप काम करते करते समर कल्बे समर कलबलाट के साथ बड़ी कसक के साथ स्मरण करे और अपना कर्तव्य समझ कर करके मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है ओम नाम जाप। क्योंकि वेदों में और गीता में अब इतने बड़े वेद में से एक श्लोक को निकालकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता
अब इस दास ने एक पुस्तक बनाई है परिभाषा प्रभु की, ये आपके सामने आओगी। अभी अब इसमें आपको मिलेगा ये 40वें अध्याय का पूरा विवरण। इसमें प्रारंभ कहां से होता है ये देखिएगा, कितना स्पष्ट ज्ञान है। इसका जो प्रथम श्लोक है कि ईशावास्यम, आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।